इसको पार्किंग है जी ना, इसको भी बंद कर दिया। कुछ दिनों से अगर आप देखेंगे कोविड के केसेस में काफ़ी सिग्निफिकेंट नुमायां गिरावट आई है, और उसके लिए मैं तमाम श्रीनगर वालों का, आप मीडिया हजरात का शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है, तमाम मीडिया वालों ने उस मैसेज को काफ़ी आम किया, और हमने देखा कि हर जगह, किसी मार्केट में देखें आप या जहां भी गैदरिंग थी, वहां हर किसी ने मास्क पहना होता था। तो आप देखें कि थर्ड वेव में जो एक्सपेक्टेशन थी वो थी कि 4000 केस पर डे आएंगे, लेकिन तमाम उन प्रेडिक्शंस को हमारे श्रीनगर वालों ने गलत साबित कर दिया। हमारे 1700 सिर्फ 1700 ही हाईएस्ट पीक पर केसेस गए हैं, और वहीं से नीचे आना शुरू हो गए। और अगर आप देखेंगे, आप 100 के करीब केस निपट गए हैं, 100 के करीब आ रहे हैं, लेकिन हमें इस 100 को ज़ीरो करना है, ताकि कोविड पेंडेमिक है, इसको पूरा पूरा यहाँ से तभी ख़त्म होगी जब हम सब मिलकर, कहीं पर भी सेलिब्रेशन का मकाम नहीं है। हम बिल्कुल नहीं समझें कि बस अब केसेस कम हो गए हैं तो अब हम मास्क छोड़ सकते हैं, बल्कि हमें और ज़्यादा स्ट्रिक्टली कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर फॉलो करना है। लगभग 6000 के करीब एक्टिव केसेस आज भी डिस्ट्रिक्ट में मौजूद हैं। देखिए, स्कूल्स के बारे में स्टेट एग्जीक्यूटिव कमेटी इसमें जल्दी फैसला ले लेगी, और इसीलिए मैं सभी से अपील करूंगा कि पेरेंट्स से खासकर के 15-18 ईयर्स जो एज ग्रुप है उसमें वैक्सीनेशन बच्चों का करा के रखें। ये प्रिपरेटरी एक्टिविटीज़ है स्कूल खोलने से पहले, वैक्सीनेशन जब कंप्लीट हो जाएगा तो हम पूरे एतमाद के साथ स्कूलों को खोल सकते हैं कि उसके बाद हमारे बच्चे सेफ हैं, और स्कूलों को खोलने के बारे में जो फाइनल डिसीजन है वो स्टेट एग्जीक्यूटिव कमेटी ने लेना है। देखिए, एसिड अटैक का जो आपने जिक्र किया, उसमें कल जो ड्राइव्स हुई थी, इसमें मार्केट्स के अंदर हमारी जो तैनात कमेटीज़ हैं पूरी सेल को रेगुलेट करने के लिए, कल 13 प्रीमिसेस सील किए गए, और ये ड्राइव इसके बाद भी जारी रहेगी। देखिए, एसिड अटैक विक्टिम जो है उनको गवर्नमेंट ने कंप्लीट, उनका जो इलाज है सारा गवर्नमेंट खुद बेयर कर रही है, उनको जो माली मदद थी वो भी हमने प्रोवाइड की, उनको यहाँ से चेन्नई शिफ्ट किया गया गवर्नमेंट के इंटरवेंशन से और ऑनरेबल LG साहब की डायरेक्शंस पर। तो हम एसिड विक्टिम के सिर्फ इलाज ही नहीं, बल्कि एसिड विक्टिम के कंप्लीट रिहैबिलिटेशन के लिए हम वादाबंद हैं, हम बिल्कुल उसमें कंप्लीट उसका पूरा ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट 4-5 डेज के अंदर अंदर हमारी चार्जशीट हो जाएगी फाइल, और हम स्ट्रॉन्गेस्ट सेक्शंस जो है, जो भी एप्लीकेबल होती है इस केस में, विल इंश्योर कि स्ट्रॉन्गेस्ट वो लगे, और जल्दी से जल्दी इस केस की चार्जशीट फाइल हो जाएगी, और उसके बाद वी विल एक्सपेक्ट दैट फ्रॉम प्रोसिक्यूशन ऑल्सो साइड कि इस केस का फैसला जल्दी से जल्दी आए। काफ़ी ज़्यादा हमारा इस पर भी हो रहा है काम, आपने किया होगा कि हमारी कुछ लास्ट एक वीक से 2-3 हफ्तों से काफ़ी स्ट्रॉन्ग ड्राइव्स वी हैव डन। एक नारकोटिक स्पेशल हेल्पलाइन वी हैव मेड, जहाँ पे कोई भी आम शहरी ही कैन हैव द इंफॉर्मेशन, वो हमें इंफॉर्मेशन उस हेल्पलाइन पे ही कैन सेंड, और काफ़ी ज़ोर शोर से इस पर हो रहा है काम। सबसे पहले आपको ये कहा गया कि हम इंश्योर की सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइंस जो हैं उनका पूरा हो, और कोई भी ओपन सेल ऑफ एसेट इट शुड नॉट हैपन इन सिटी, तो हम उसका ख्याल रखेंगे आगे से, और ये इंश्योर होगा कि ऐसा अटैक दोबारा ना हो।